हेलो फ्रेंड्स, जी एस एम हेल्पफुल चैनल में आपका स्वागत है। मेरे पास है रेडमी नोट 8, इसमें एमआई अकाउंट है। तो एमआई अकाउंट अनलॉक टूल्स में कैसे रिमूव होता है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहले हम चेक कर लेते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। जैसे ही फ़ोन चालू होता है, फिर ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे ये आ जाता है, एमआई अकाउंट लॉक आ जाता है। तो पहले तो अनलॉक टूल ओपन कर लेते हैं, उसके बाद सर्वर पे क्लिक करना है और मॉडल सिलेक्ट कर देना है रेडमी नोट 8। फिर फाइल को लोड कर लेते हैं। उसके बाद फ़ोन को EDL मोड में ले जाते हैं। EDL मोड के लिए दो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, वो शॉर्ट करना है। ये दो पॉइंट आपको GPS से लगाना है और USB केबल लगाना है, तो फ़ोन EDL मोड में चला जाएगा। पहले हम EDL मोड में फ़ोन को रखते हैं, उसके बाद फ्लैश पे क्लिक करेंगे। फ़ोन कनेक्ट हो गया है, अब फ्लैश पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं जब तक प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती। प्रोसेस डन हो गया है, फ़ोन को चालू करके हम चेक कर लेते हैं। तो ऐसे ही ट्यूटोरियल के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी चैनल GSM हेल्पफुल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।